Your account has been disabled for violating our terms. Learn how you may be able to restore your account. And आपको मिलती है सिर्फ अपील वाला ऑप्शन, और कई केसेस में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखता है लर्न मोर वाला ऑप्शन, जिसकी वजह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाते हो और आपका अकाउंट परमानेंटली और टेम्प्रेरी तौर पर डिसेबल कर दिया जाता है। ऐसे में क्या आप इस अकाउंट को रिकवर कर सकते हो? स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका अकाउंट डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरीके की अकाउंट को रिकवर करने के लिए दोस्तों आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है लर्न मोर अबाउट योर अकाउंट। आप ये सर्च करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। वैसे मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जो 6 इंपॉर्टेंट लिंक्स है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसके बाद आपने इन्हें फिलअप करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे, लेट अस नो वाला ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब ये अकाउंट क्या आपका बिजनेस अकाउंट था, क्या आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्विस करते थे, बेचते थे? तो अगर यस है तो भाई साहब आपने यस करना है, अगर आपका बिजनेस अकाउंट नहीं था तो आपने नो करना है। लेकिन अगर आप यस करते हो तो आपको टैक्स, इन्वॉइस वगैरह यहाँ पे देनी होगी, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक चीज़ आपको अटैच करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है तो आपने नो करना है, और यहाँ पे सिंपल है, आपको सिर्फ यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे देना पड़ेगा, कंट्री वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपको प्रूफ के लिए टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, उसका आईडी प्रूफ वगैरह लगाना पड़ेगा। उसके बाद बैक आओगे, नो करना, दिस सोल्यूशन डजेंट वर्क पे सेलेक्ट कर देना, और उसके बाद ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या फिलअप करना है ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, तो उसे आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। ये पहला फॉर्म है जिसको आपने फिलअप करना है। पहले फॉर्म को फिलअप करने के बाद भाई साहब आपने करना है बैक आओगे, उसके बाद आपको मिलेगा सेकंड फॉर्म पे क्लिक करोगे और आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके का ऑप्शन। यहाँ भी आपने लेट अस नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब क्या आपके पास गवर्नमेंटल आईडी प्रूफ है, पासपोर्ट वगैरह? तो अगर आपके पास है तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो आपने नो करना है। मतलब सारी चीज़ें सेम ही है, आपको यूज़र नेम सब जगह देना है, ईमेल एड्रेस सब जगह पे देना है, लेकिन आपको सिर्फ आईडी प्रूफ वगैरह जो है वो अलग अलग लगाना पड़ सकता है। जैसा कि यहाँ पर अगर आपके पास आईडी प्रूफ है गवर्नमेंटल, तो यहाँ पे गवर्नमेंटल आईडी प्रूफ आपको अटैच करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें यहाँ पर देनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर बस कार्ड है, बैंक डिटेल्स है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देनी पड़ेगी अगर आपके पास गवर्नमेंटल आईडी प्रूफ नहीं है तो। अमूमन सबके पास होता है, तो गवर्नमेंटल आईडी प्रूफ ही देना, वो ज़्यादा बेटर होगा और वो ज़्यादा काम करेगा। उसके बाद दोबारा से आप बैक आओगे, नो पे क्लिक करना और दिस सोल्यूशन डजेंट वर्क पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोबारा से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस बॉक्स में आपने क्या फिलअप करना है, वही फिलअप करना है जो आपने फर्स्ट फॉर्म में फिलअप किया था, और वो आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपने बैक आना है और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड फॉर्म को फिलअप करना है। इसके बाद इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिखता है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद भाई साहब आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके का ऑप्शन, यहाँ पर आपने इस पर टिक करना है और कंटिन्यू कर देना। जैसे आप टिक करोगे फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल करना, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और जो आपका इशू है वो आपने यहाँ पे लिखना है, और इस बॉक्स में आपने पूरा एक्सप्लेन करना है कि आपका अकाउंट कब से डिसेबल हो गया, कैसे डिसेबल हो गया, और अटैचमेंट में वो आप एरर यहाँ पर लगा सकते हो जो कि आपको लॉगिन के वक्त आ रहा है, चाहे वो अपील वाला हो या फिर लर्न मोड वाला हो। ये सारे फॉर्म्स को फिलअप करने के बाद, सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने इस सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये जो बॉक्स में भी आपने लिखना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना। उसके बाद वापस से आप यहाँ पर बैक कर लेना, जैसे ही आप यहाँ पे सेंड कर दोगे अटैचमेंट वगैरह लगा के बैक करना, उसके बाद फिर से नो करना, फिर से यहाँ पे दिस सोल्यूशन डजेंट वर्क पे क्लिक करना, और बॉक्स में हमेशा की तरह मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उसे ही आपने फिलअप करना है। इन 6 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो भाई साहब आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।